सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से डिबेंचर का एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। ये टॉपिक है कोलैटरल सिक्योरिटीज। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में होता है। तो आइए देखते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटीज एक्चुअली होता क्या है। जब डिबेंचर को आप लोन के बिहाफ में एज ए सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिबेंचर पब्लिक से पैसा लेने के लिए, फाइनेंस जनरेट करने के लिए इश्यू किया जाता है, या समटाइम डिबेंचर किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए इश्यू किया जाता है, या फिर प्रमोटर को या फिर अंडरराइटर को, जैसा हम लोगों को पता है। बट इन सब के अलावा भी एक ऐसा जरिया है जब डिबेंचर को इश्यू किया जाता है एज अ सिक्योरिटी। जब डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी इश्यू किया जाता है तो डिबेंचर के इस इशू करने के तरीके को कोलैटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटीज के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात है। इट विल नॉट जनरेट मनी, यानी कि जब आप डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी इशू करते हैं ये मनी जनरेट नहीं करता है, ये जस्ट एक पेपर पे रिटन वर्ड होता है 20,000, 2 लाख, 3 लाख, 10 करोड़ डिबेंचर, बट एक्चुअली में मनी का देयर इज नो ट्रांजेक्शन। इट इज सेकेंडरी सिक्योरिटीज, यानी कि कोलैटरल सिक्योरिटीज कभी प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होता है। प्राइमरी सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लॉट, ऑर्नामेंट, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी। बट जब बात करते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटीज का, तो सेकेंडरी सिक्योरिटीज में केवल डिबेंचर आता है जब आप उसको एज ए सिक्योरिटी इश्यू करते हैं। तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि कोलैटरल सिक्योरिटीज प्राइमरी है या सेकेंडरी। आपका आंसर होना चाहिए सेकेंडरी सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी। जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि डिबेंचर जब एज ए सिक्योरिटी इश्यू किया जाता है इट विल नॉट जनरेट मनी। तो जब मनी जनरेट हुआ ही नहीं, देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी बिटवीन 2 पर्सन, तो हाउ कैन बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इट। तो इस कंडीशन में हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा और किसी भी तरह का इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड भी नहीं करेगा ऑन कोलैटरल सिक्योरिटीज। बात करते हैं जर्नल एंट्रीज का, तो कोलैटरल सिक्योरिटीज में केवल 2 जर्नल एंट्री होते हैं। पहला, जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं, लोन लेने का सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं। सेकेंड एंट्री होता है डिबेंचर को इश्यू करने का बट एज ए सिक्योरिटी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। यहां डिबेंचर सस्पेंस रिप्रेजेंट कोलैटरल सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे मनी जनरेट नहीं हो रहा है इसलिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट नहीं कर सकते हैं। आपको करना होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। इसका मतलब है कि डिबेंचर इश्यू तो हुआ है बट इससे मनी जनरेट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का बात करें तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर में एक हेड आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में सब हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन को हम लोग यहां शो करेंगे। बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये एक रिफ्लेक्शन देता है बैलेंस शीट को कि किस तरह से बैलेंस शीट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो नोट्स टू अकाउंट कोई अलग चीज नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। आइए ध्यान से देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला नोट है परसेंटेज डिबेंचर इश्यूड माइनस डिबेंचर सस्पेंस, और बाहर में इसका अमाउंट हो जाएगा नील। यानी कि आप जो डिबेंचर का क्वेश्चन में, कोलैटरल सिक्योरिटीज का क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू देख रहे हैं वो एक्चुअली में माइनस होके नील हो जाएगा। रीजन, इट विल नॉट जनरेट मनी। जब ये मनी जनरेट कर नहीं रहा है तो आप यहां पे मनी को शो नहीं कर सकते हैं। हां, इनर कॉलम में आप इसको दिखा सकते हैं जो लेस हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस। सेकेंड वर्किंग नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि यह मनी जनरेट किया है बिकॉज वी पास जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल एंट्री इट शोज द मनी विल जनरेट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन को हम लोग शो करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है बट बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये 3 मार्क्स हम लोगों को देता है तो खराब क्या है। तो इसका तैयारी कर लीजिए, डीके गोयल बनाइए, टीएस अग्रवाल बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू।